नमस्कार दोस्तों, आज हम अमरनाथ के लिए तैयार हो रहे हैं, घर से निकल रहे हैं आज। तो आपको बता दूं कि मैंने कौन कौन सा सामान जो है पैक किया हुआ है वो आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो उसके लिए आपको क्या लेना होगा, सबसे पहले तो जो है आपको जो रजिस्ट्री आपने जो की होती है ना, आपने बैंक में जाकर या कहीं भी, वो आपको तो जरूर लेना होता है। एक आधार कार्ड जरूर चाहिए, दवाइयाँ वगैरह चाहिए, मेडिसिन वगैरह चाहिए, और 2-3 आपको जो है पजामा पुजामा जो है वो लेना होता है। तो साथ में आपको एक स्वेटर वगैरह लेनी होगा अगर आप पहलगाम की तरफ से जाते हो तो। टोपी वगैरह का भी आपको बंदोबस्त करना होगा, दस्ताने वगैरह ले लेना अपने, एंड कभी भी ले लेना। और साथ में अगर और कोई हो सके तो छोटा मोटा जो है जरूरी सामान भी बहुत जरूरी लेना होता है दोस्तों। तो आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले अगर मेडिसिन की बात करूँ तो मैंने क्या किया है, आप देख सकते हो, जो मैंने लिया है गैस की टैबलेट ली है। किसी को क्या हो जाता है कि गैस की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारा सफ़र करने के दौरान, तो और इसमें मैंने ये न्यूट्रलाइट वाले में मैंने डाली हुई है। सर दर्दी की टैबलेट वगैरह डाली हुई है। अगर आपको लूज मोशन या किसी का पेट खराब हो रहा तो उसके लिए भी मैंने इसमें क्या किया है, बहुत सारी दवाइयाँ जो ऐड कर दी है। जुकाम वगैरह नजला वगैरह अगर किसी को हो जाता है तो उसके लिए भी मैंने ये कुछ टैबलेट इसमें डाली हुई है। तो आपको एक चीज़ बताना भूल गया है, मैंने ये 2 तोड़े ले लिए हैं। ऊपर ये हमें 20-20 का मिलता है वहाँ पर, वो देते हैं वो चिनार के। और साथ में मैंने ले लिया ये बॉन्ग वगैरह ले लिया, इसमें तिल चौल चावल जो है मैंने डाले हुए हैं। और ये हमारी जो है क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसको भी वो चढ़ाते हैं बेलपत्ती, वो हमने ले लिए। इसी को हम क्या करेंगे उधर चढ़ा के चढ़ाएँगे। और आपको ना थोड़ा सा वो भी लेना जरूरी होता है, टेप वगैरह ले लेना। और सीने के लिए अगर किसी का कुछ फट फुट जाए तो सुई धागा भी जरूर ले लेना अपने साथ। तो दोस्तों आज की हम पैकिंग करते हैं शुरू। तो आपको अलग अलग सामान रखना होगा हर एक पोर्शन में। धन्यवाद। आपको ये जेबल चौक का पुल दिखा रहे हैं हम, जहाँ से पैदल जा रहे हैं, ठीक है। इधर रुपएगा है ना, आपको इस तरह के ये गमले जो है बहुत सारे दिखेंगे। और नीचे का आप नज़ारा देख रहे हो कि काफ़ी सारा पानी जो है इसमें बह रहा है। और काफ़ी सारा मतलब कि पुल भी इसमें रोड दिए थे पिछली बार जब बारिश हुई थी। इस बार का जो मौसम है वो ठीक है, वैसे बारिश काफ़ी हुई थी पहले आधा घंटा पहले, तो अभी इतनी गर्मी ज़्यादा हो रही है। और जो जेबल चौक है वो आपको मैं पुल का नज़ारा दिखा रहा हूँ जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं। तो हम पैदल ही जहाँ से जा रहे हैं थोड़ा सा आगे, और आगे जाकर हम गाड़ी पकड़ेंगे भगवती नगर के लिए। वहाँ से हम टिकट वगैरह लेकर अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। यहाँ पर भगवती के नगर के अंदर जो है ये फौजियों के टेंट बने हुए हैं छोटे छोटे। और ये भगवती नगर का अंदर का जो है दृश्य है जो आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियाँ वगैरह लगी होती है बाहर, और इससे वाले ग्राउंड में लगी होती है बालटाल की गाड़ियाँ। और जो पहलगाम की गाड़ियाँ लगती हैं वो लगती है पीछे की तरफ, ठीक है दोस्तों। ये कंटिन्यू ये सर तो अलग अलग इन्होंने की होता है। ये है हमारा यहाँ पर एंट्री पॉइंट होता है, जो हमारा गेट वगैरह बना हुआ है हमारा, ये जो है जहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट होता है। और इधर की तरफ हमारा जो कार्ड जो बना था वहाँ चेक करते हैं, और हमें अंदर की एंट्री मिलती है। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं दोस्तों, ये बाहर का रास्ता है। तो बाहर जाकर हम खाना पीना करके फिर आएंगे। अभी मैं आपको रात का नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये भगवती नगर का अंदर का जो है नज़ारा। और इधर से लाइनें लगती थी हमारी पहले पर्चियों के लिए, तो इस वक्त ये खाली पड़ा है अभी, क्योंकि 25 तारीख हो रही है रात की। तो जहाँ पर हम ठहरते थे पहले, और जो सामने था वहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको ब्लैक में दिख रहा है ना, कि जहाँ पर स्क्रीन लगी होती थी, जहाँ भजन वगैरह चलते थे और लोग जहाँ पर बिचेरा करते हैं। काफ़ी सारा बड़ा हाल है ये, ठीक है। और ये जो है सामने आप देख रहे हो ये कमरा सा बना हुआ है जहाँ पर टिकट वगैरह हमें मिलती है। और ये सामने जो आपको लाइटें दिख रही है ना, ये थोड़ा सा रूम है जहाँ पर रेंट पर रहते हैं लोग वगैरह। तो 2 बार मैंने आपको ये दिखा दी है वीडियो, ये रात की वीडियो, ठीक है, आप देख सकते हो। और जो भोजनालय वो सामने है। अभी रात के कोई 2:30 बज रहे हैं, और ये जो है गाड़ियाँ लगी हुई है पहलगाम और बालटाल के लिए। अभी जो मिक्स कर दिया इन्होंने, पहले जो गाड़ियाँ लगती थी वो दूसरे शहर लगती थी पहलगाम वालों की, तो इस बार ये मिक्स कर दिया इन्होंने। सभी लोग जो है अपनी अपनी गाड़ियों के पास आ चुके हैं, और गाड़ियाँ जो रही हमारी इधर लगी हुई। और 2 सीटर है सभी के सभी, एसी वाली बस भी है इनमें। हाँ, और आप देख सकते हो ये जस्ट इसके बगल में है जे भगवती नगर, जो अंदर से हमें टिकटें मिलती है इस वाले क्षेत्र से, और अभी हम बाहर निकले हैं इस वाले रास्ते से आए हैं। अभी हम दोस्तों बनिहाल के इधर पहुंचे हुए हैं। बनिहाल में आप देख सकते हो कि काफ़ी सारा रश पड़ रहा है, पीछे देखिए भीड़ काफ़ी सारी है। अभी हम जा रहे हैं लंगर की तरफ। जहाँ पर आपकी चेकिंग होगी या पहलगाम का जो फैला पड़ रहा है। चला वजन तो कितने आ रहे। देखिए देखो खुशबू जड़ी ख्याल दिया अपना भंडारा देखिए होना है नहीं दिल्ली वाला छड़ा गया। दोस्तों जहाँ पर हमें बाहर निकाला है इस रास्ते से, और जहाँ पर गाड़ियाँ लगी होती हैं और किराया जो है 150 से ऊपर जो ले लेते हैं। अभी पहले हमने 150 रुपये ही दिया था इनको, तो ये रहा जे मतलब बना हुआ बाहर थोड़ा सा विश्राम के लिए, और लिखा हुआ पहलगाम सामने। इधर जो पार्किंग वगैरह बनाई हुई है जो बेस कैम्प था, ठीक है, और गाड़ियाँ लगी हुई है इधर से जाने के लिए, हमें छोड़ने के लिए चंदनवाड़ी तक। और ये पहलगाम वाला जो आपको फ़ोटो में दिखाया होगा बहुत सारों ने, और ये हमारे साथ चलती है ये नदी, और इसी के रास्ते से हम जाएंगे ऊपर पहाड़ तक, ठीक है। और ये लिखा हुआ पहलगाम पहली बार बना है, पिछली बार तो नहीं था, अभी बना है। कुछ लिखा हुआ उर्दू में आप पढ़ सकते हो, पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है। और लेक का आप नज़ारा ले सकते हो पीछे, और इसी रास्ते से जाएंगे जो प्रॉपर की तरफ से जाते हुए हम उधर चंदनवाड़ी की तरफ। आप जो मेरी तरफ पीछे की तरफ जो देख रहे हैं ना नदी, इसी नदी के सहारे जाएंगे हम ऊपर। और जो पीछे का पूरा वो पूरा आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं जय जाएगी चंदनवाड़ी लेकर आपको। और इस साथ ही साथ ये जो पीछे आपको दिख रहा है बेस कैंप पे जो है आपको ना नज़र आ रहा है पीछे, इधर से हम बाहर निकले थे तो। और ये जो आपको दिख रहे हैं स्कॉर्पियो वगैरह जो गाड़ियाँ लेकर आपको जाएगी ऊपर आगे, ठीक है। सारा का सारा आपको मैंने बता दिया, ऐसे बहन में नहीं रहना चाहिए आपको बोल देते हैं कि उधर से ऐसे ऐसे, कुछ नहीं होता। एक रात ये रखते हैं आपको, अगर 12 बजे के बाद ही आपको सुबह तो उसके बाद ही ये आपको आगे जाने देंगे। तो दोस्तों आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी, जब हम चंदनवाड़ी पहुंच जाएंगे तो। अभी हम चंदनवाड़ी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये लाठी वाले जो है 50-50 की लाठी दे रहे हैं हमें, जो 10 रुपये में नहीं पड़ती, 50 की दे रहे हैं हमें। तो आपको नहीं लेनी होगी, इधर से आपको आगे मिल जाएगी बहुत सारी। आप देख सकते हो जहाँ का नज़ारा। और जो चंदनवाड़ी वाला जो है पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ से हमने एंट्री करनी है, ठीक है। ये रहा पीछे जो आपको दिख रहा है, ये रहेगा चंदनवाड़ी का जहाँ से हमने एंट्री पॉइंट है हमारा जी। तो इधर से हम कराएंगे अपनी चेकिंग वगैरह और अंदर की तरफ जाएंगे। ये रहा चंदनवाड़ी के अंदर का नज़ारा आपको। ये रहा चंदनवाड़ी से पहला जो पड़ाव करेंगे हम, इधर से पैदल चलना शुरू करेंगे, जहाँ से पहला पड़ाव रहेगा हमारा जो चलने वाला। मूड खराब होना सर इतना। आप देख सकते हो कि बहुत सारी हैं हमारी मदद के लिए रहते हैं, घोड़ा लकड़ी वगैरह आपको देते हैं, हल्दा वगैरह। तो काफ़ी सारा रस नहीं कर रहते थे पहले सुबह, आपको पूरी सुविधा देने के लिए तब तक बोला। घोड़े वगैरह इनके जो शेषनाग है आपको लेकर जाएंगे। आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, ये घोड़े जो ये गवर्नमेंट का जो प्राइस रहेगा 2050 रहेगा, 2050 ठीक है। शेषनाग तक 12 किलोमीटर रहेगा, और गोवा तक जाना होगा आपके लिए 4000 लेंगे आपसे, आने जाने का 7000। अच्छा बोल रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि आने जाने का जो 7000 हैं, नहीं जाना मैं ऐसा पूछता। आप देख सकते हो जहाँ से घोड़े भी अपना सामान लेकर सीढ़ियों से जाते हैं, और काफी भी नीचे का नज़ारा आपको दिखाना है। अब नीचे का हाल देखो कितना गिला गिला सा चिकड़ सा गया हुआ है। चढ़े रहे पहले पहाड़। बस खुल चुकी है दोस्तों, तो मेरे पीछे का नज़ारा देखो आप। दोस्तों मेरे पीछे का जो नज़ारा है घोड़ा वालों ने पूछ करी हमें घोड़ा बना दिया, पिछुआ वगैरह पता नहीं क्या क्या सामान के लिए। अरे यार देखो मैं 500 बता दो कि कहाँ जाना है। ठंडा लिमका पानी की बोतल आ जाओ, भले ठंडा लिमका पानी की बोतल। दोस्तों हमने जो मुश्किल वाला जो पड़ाव था वो पार कर लिया है। अभी हम जो जा रहे हैं ये रास्ता आपको दिखा रहे हैं पीछे मेरे, अब जो आगे सिंपल रास्ता मिलेगा हमको चलने का। तो आप नीचे वाला व्यू देख सकते हो है ना, कहाँ से आए थे वो नीचे जो आपको दिख रहा है ना पानी वाली। चलते चलते 2-3 बार हमने रेस्ट किया रास्ते में, पिछली बार एक ही रेस्ट की थी हमने, इस बार सांस फूल गई इतनी दूर आते आते। घोड़े वालों ने तो बहुत सारा हमारा वाला कि चलना मुश्किल कर देते रास्ते में। देखो काफ़ी ज़्यादा जो रास्ता जो आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छा दिख रहा है नीचे से। जब पिछुड़ा आपका